क्या वजह है, क्लास लेट क्यों आज? क्लास लेट है क्योंकि वहाँ पे मीटिंग चल रही है आधा घंटा, उसके बाद होगी क्लास। आप कब आए थे? मैं तकरीबन 15 मिनट पहले। और आप? 8:30 पे आए यार। 8:30 लेट ऑफ टाइम है बस। और इजहार भाई क्या हाल चाल है, कुछ अपने बारे में बताएं आप, आपके फैंस देख रहे हैं आपको। मेरे फैंस देख रहे हैं, उनके ऊपर यही कहूँगा कि तो पीरियड में एडमिशन कभी नहीं लेना आपने, ठीक है? और ये सुबह वाली क्लास अटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्यों पहुँचे हैं यहाँ पे? हाँ, आप क्यों आए इस पीरियड? हसते चेहरे का मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब यह होता कि इन्होंने तकलीफा ना डील करना होता। राणा साहब आप क्यों? एक बंदा खड़ा था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भैया फर्स्ट सेमेस्टर के है, वो फर्स्ट का था, लिखा था मैं तीसरे का। अच्छा, आपने उसको सोचा मैं रैगिंग कर लूं थोड़ी, लेकिन उसने आपकी रैगिंग कर ली। ऊपर से गड़ा वादे लगा रहा था, खामोश खामोश लगा हुआ था। मैंने बोला ये देखो आज फॉर्म में आया मैं, बाद में कहता मैं तीसरे में, ठीक है भाई क्यों बोल दिया आपने। जब हम लोग खुद फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे तो हमसे कोई बड़ा बनेगा नहीं था यहाँ पे, लगता था सबसे बड़े जो कलाकार हैं वो हम खुद हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कलाकार तो हम लोग नहीं है, कलाकार अब जो आ रही है, कलर का आ रहे हैं बड़े दूर से पहचाना जाता है पहले सेमेस्टर का बच्चा, क्योंकि वो ना एक बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, उसके अंदर से एक्साइटमेंट बाहर निकलती होती है। लड़कियों का ग्रुप भी है, लड़कियों का है, वो लड़कियों में जान जान के बजेगा पहले सेमेस्टर का बच्चा। और कुछ बच्चे इस तरह के पांचवें सेमेस्टर में भी पाए जाते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। लेक्चर का टाइम था 8 बजे और इस वक्त 9 बज रहे हैं। ऐसे ही है। नाश्ता करके आयो? नाश्ता आके 8 बजे किया है कि यार 8 बजे क्लास लेनी है, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। तुमने मेरे बगैर क्यों नाश्ता किया? आप आए नहीं थे ना, आप अभी आए हो, आप खुद लेट आए हो, लेट कमर हो आप। चलो यार कोई बात नहीं, अभी मैं आपके साथ दोबारा जो है वो खाना खाएंगे ना, नाश्ता किया है। डील डन, डील डन। मैंने बनाई थी और ये वाली भाई, मन तेरी तस्वीर लगी हुई है, साथ में तेरी भी लगी हुई है। ओवर एक्टिंग के पैसे नहीं मिले। ओ वाओ, क्या नाम था इनका? तारिक है जी। ये लेजेंड है। T20 में 400 स्कोर किया था। पहले सेमेस्टर की बात है ना, अब तो पांचवा हो गया। हाउसिंग सोसाइटी फिनिश, तबाह खत्म, टाटा बाय बाय। आप मेरे व्लॉग में आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी ऑडियंस से? ना ले गए आप मेहरबानी। यार ये तो वैसे तुमने ज्यादती किया है, दुनिया तो मैं देखना चाहती है। शट अप, गजब बेइज्जती है, आ नहीं पा रही है। शट अप शट अप, आज कपल्स ही बैठे हैं, कपल्स बैठे हुए हैं, ऊपर से नहीं होती। मिलता है सारा सीन मिलता है। तो आपकी कैसी गुजरी है क्लास मुबश्शिर? बहुत अच्छी है। मेरी तो नहीं अच्छी गुजरी, बोरिंग गुजरी है। सर आपके सर से बड़ी दोस्ती होगी। ओह दोस्ती नहीं होगी, सारा कुछ ज्यादा। आप सर से दो कदम आगे, सारी क्लास में सर से दो कदम आगे। सर एनवे कहते बेटा मेरे साथ चलो। सर कहते हम आपकी शिकिर्द हैं। मैं कहा नहीं, हम आपकी शिकिर्द। ये देखें अमन भाई भी आ गए। अमन भाई तो कब से आ गए? और ये जो रेस्ट हो रहा है ना, जो अंदर जाके देखना पड़ेगा क्या चक्कर है। क्लास टू हू हू, हे यो ब्रो वेयर इज माय सन? मेरा बेटा कहां है? कॉल करके पूछने लगा हूं। देखो जल्दी आओ, पापा बुला रहे हैं। ओके, और 1 मिनट से पहले
He's bada dad. आप क्या खाएंगे? चिंटू चिंटू हो जाएंगे। मैं उस साइड पे भी लेके जाऊंगा, वहां पे मेरा दिल है और इधर आप है। मैं आप लोगों को पूरी यूनिवर्सिटी घुमाऊंगा, ये तो मेरा ही होता है, आपको पता है ये सारा का सारा इदारा ही मेरा है। इधर यहाँ पे मेरे अलावा किसी की चलती नहीं है। मैं डाउन हो गई आपके लिए, है ना? हो गई ना, नंबर तो ले ली मेरा। नंबर मैं आपको दे देता, लेकिन अभी बैलेंस नहीं है आपको पता है। और यहाँ पे आपको पता है ऐसा माहौल है यहाँ पे, यार कुत्ता बंदा नंबर के लिए फिर रहा है। ये देख लें आप, बेशक ये देख लें, ये ऊपर वाली मंदिर से मैंने चिरांग गई थी लड़की के लिए, कोई फायदा नहीं हुआ, आपको पता है इस बात का। तो भाई आज के व्लॉग में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। यार ब्रो इधर आओ यार, हेलो, यो, अस्सलाम वालेकुम। आज आपने मेरे साथ खाना नहीं खाया, क्या हुआ? यार मैंने पहले खा लिया था, दरअसल आपको पता है मैंने डेली जो व्लॉगिंग है वो स्टार्ट कर दी है दोबारा से। आपको आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? ऑडियंस में ये कहना चाहूँगा आप लाइक करते हैं इनको, सब्सक्राइब करते रहे और बेल आइकन इनका जो है ना प्रेस करते हैं, प्रेस बेल आइकन ऐसे क्लिक। तो जी ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस चल रही है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लियाकत अली खान साहब, और आपको आपका क्या रोल है? कायदे आज़म लियाकत अली खान साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो बच्चे यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं नए नए, यार इनको हम लोग सिखाना चाहते हैं कि आप लोगों ने ना शाके कैसे लगाने हैं। क्या लगाने? शाके, शाके। आपको पता है ये होने हट जाएगी चीज़ आपकी, शाके। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने प्यारे बच्चों को आज देखें, बच्चे आए हैं हमारे पास और हम उनको सिखाना चाहते हैं कि कैसे सुपीरियर के लीडर बन सकते हैं। लीडर, वाओ, बैकग्राउंड में क्लैपिंग डालनी है आपने। आपने बैकग्राउंड में क्लैपिंग डालनी है, ठीक है? लीडर, हाँ लीडर, हाँ बात कंटिन्यू। लीडर बनाना चाहते हैं, हाँ ठीक है। डोंट बी अ लूजर, लूजर लूजर, यस लीडर, बी अ लीडर, बी सुपीरियर, यस लीडर। आप क्या कहना चाहेंगे जो नए नए बच्चे आ रहे हैं? फिल्टर फिल्टर लगा दूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा इन बच्चों को देख के तुम बच्चे याद आ रहे थे मुझे, ठीक है, तुम भी इतने इतने थे जब आए थे, और तुम मेरे से एक सेमेस्टर ही सीनियर हो। हमारी गोद में खेले हो, जाने दो, एक सेमेस्टर ही सीनियर हो। खैर है ना, एक सेमेस्टर की बड़ी बात है, तभी तुम गोद में ही खेले हो। अच्छा बताओ क्या कहना चाहोगी बच्चों से? बच्चों से बेस्ट ऑफ लक, कोई भी मसला हो मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आपके लिए, ठीक है, काम बिल्कुल नहीं करूँगी। बैकग्राउंड में क्लैपिंग डाल दूंगा, ठीक है। म्यूजिक कौन सा लगाना पीछे? टूटा हुआ साज हूँ मैं। सो जी सेकंड क्लास जो है वो हमारी स्टार्ट होने लगी है।